और आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ ना, जिससे आपका ड्रोन 15 मीटर से 500 मीटर तक कैसे जा सकता है। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds of breathing. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता ही है, हमने अभी रिसेंटली एक ड्रोन लिया था, DJI का मिनी 2। और आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ ना, जिससे आपका ड्रोन 15 मीटर से 500 मीटर तक कैसे जा सकता है। और अगर आपके पास DJI का मिनी 2 है और या उसके नीचे आने वाली कोई सी भी सीरीज है, तो ये वीडियो ना बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इनका जो हाई एल्टीट्यूड रेंज है ओनली 15 मीटर है। और 15 मीटर ना बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि 50-50 मीटर से भी ऊँचे पेड़ होते हैं, और अगर आप उड़ाओगे ना तो पक्का आपका ड्रोन ना क्रैश हो जाएगा, और भाई इतना बड़ा नुकसान ना, मतलब आप सहन नहीं कर पाओगे। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड डू कमेंट। और अगर आपका भी कोई सा भी सवाल है तो कमेंट कर सकते हो आप। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये है अपना ड्रोन और ये है इसका कंट्रोलर। और मौसम ना बहुत प्यारा सा हो रहा है, आज थोड़ी धुंध लग रही थी सुबह और इधर से बहुत प्यारी धूप आ रही है। सो ड्रोन उड़ाते हैं और पहले नॉर्मल में उड़ाएंगे, उसके बाद हाई एल्टीट्यूड पे लेके जाएंगे उसको। सो लेट्स फ्लाई। ड्रोन हो चुका अपना रेडी, तो उड़ाते हैं इसको। तो अभी इतना हो चुका है रेडी, अभी ऊपर लेके जाते हैं इसको। मैक्सिमम फ्लाइट एल्टीट्यूड रीच्ड। ओनली 15 मीटर एल्टीट्यूड पे जाएगा ये, इसके ऊपर आप कितना भी करोगे नहीं जाएगा। और यहाँ पे रेड सिग्नल देने लगे कि 15 मीटर के ऊपर नहीं जाएगा। और ये देखो, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. So guys, पहले इस ड्रोन को अब लैंड करते हैं, देन उसके बाद फिर से उड़ाएंगे रेनबो ऐप से, और वहाँ से मैं आपको सेटिंग दिखा दूँगा कि आप इस ड्रोन को 15 मीटर से 500 मीटर तक कैसे लेके जा सकते हो आप। और पहले इसको लैंड करते हैं आप। और अभी इसमें भी अभी नॉर्मल सेटिंग से 15 मीटर तक जाएगा, बट इसकी अभी सेटिंग चेंज कर सकते हैं हम। सो फाइनली गाइस, अभी मैंने इसकी सेटिंग चेंज कर ली, और मैंने कैसे सेटिंग चेंज करी वो भी आपको दिखा दिया। अब करते हैं इसको, ये देखो 70 मीटर, 25 मीटर, और ये देखो अभी स्क्रीन पे देखो आप, और ये हो गया 100 मीटर ऊपर, ये देखो आप, और यहाँ से देखो व्यू। Yeah.
अभी मैंने आपको नॉर्मल में भी और रेनबो ऐप से भी दोनों से उड़ा के दिखाया। एक में ओनली DJI की जो फ्लाई ऐप है, ऑफिशियल ऐप है, उसमें ओनली 15 मीटर तक ही उड़ता है आपका ड्रोन। बट अगर आप रेनबो ऐप से उड़ाओगे, उससे आप 500 मीटर तक ऊपर ले जाओगे। बट 500 मीटर भी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा हाइट होती है। 100 मीटर तक मैंने अभी उड़ाया था, और लास्ट टाइम भी मैंने 100 मीटर तक ही उड़ाया था, क्योंकि 100 मीटर भी काफ़ी ज़्यादा हाइट होती है। आप भी ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो DJI के ड्रोन में। और ये अगर आप इसके साथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो इसके साथ में काफ़ी सारे फंक्शन आपको अनलॉक हो जाते हैं, जो कि काफ़ी सारे जो प्रीमियम ड्रोन हैं उनमें जो फंक्शन होते हैं वो इसमें भी आपको मिल जाएंगे। सो अभी के लिए बाय बाय, और मिलते हैं आपको जल्दी से एक और नई वीडियो के साथ में। और अभी के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।